हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज मैं बात करने वाली हूँ जुरासिक वर्ल्ड पार्ट 2 की। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक पिंड है। सो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग होती है जुरासिक वर्ल्ड से। फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा लास्ट पार्ट में जब मोसासोरस रेक्स को पानी में ले गया था और उसने उसे मार दिया था। तो फ्रेंड्स, इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक सबमरीन वहां पे पहुंचती है जो पानी के अंदर रेक्स के डीएनए एकत्र करने के लिए गए हुए थे। वहां उन्हें रेक्स का स्केलेटन मिलता है, वो उसे एक बलून की हेल्प से ऊपर पहुंचा देते हैं, पर तभी टीम के बचे लोगों पर मोसासोरस और टीरेक्स हमला कर देता है। उस टीम का एक मेंबर अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और जल्दबाजी में उससे एक रिमोट टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगा दरवाजा भी बंद हो जाता है और डायनासोर बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, वो मेंबर खुद को बचाकर हेलीकॉप्टर तक तो चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक डायनासोर उसे आकर खा जाता है। बाकी लोग स्केलेटन लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट की एक असेंबली में ये अनुमान लगाया जाता है कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होने के बहुत चांसेस हैं, जिससे वहाँ पे बचे हुए सभी डायनासोर मारे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्लेयर की एंट्री होती है। वो ऑफिस जा रही होती है जहाँ वो जिया और फ्रैंकलिन के साथ में काम करती है। दोस्तों, जिया एक डॉक्टर है और फ्रैंकलिन एक हैकर है जो कि सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। जहाँ टीवी पे न्यूज सुनते हुए उसे बेंजामिन लॉकवुड की ओर से एक फोन कॉल आती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो नॉर्थ कैलिफोर्निया जा रही होती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात एली मिल से होती है और उसके बाद वहाँ पे मिस्टर बेंजामिन लॉकवुड भी आ जाते हैं, जो कि जुरासिक वर्ल्ड के को फाउंडर हैं और जॉन हैमन के पार्टनर हैं। बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि जॉन हैमन चाहते हैं कि बचे हुए डायनासोर्स को ज्वालामुखी विस्फोट से बचाने के लिए और इंसानों से दूर रखते हुए एक सेफ जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए लॉकवुड ने एक आइलैंड बनाया है जहाँ पर सारे डायनासोर्स को वो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसमें ब्लू का नाम भी शामिल है। ब्लू अपने प्रजाति का आखिरी रैप्टर बचा हुआ है और उसके बाद वो क्लेयर को कहते हैं कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो डायनासोर को काफी करीब से जानता हो। जिसके बाद क्लेयर ओवेन के पास जाती है और वो ब्लू की खातिर उसे उस प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, जहां ब्लू का नाम सुनकर वो उन्हें बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद क्लेयर ओवेन जिया एंड फ्रैंकलिन आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहां वो जुरासिक वर्ल्ड पहुंच जाते हैं ब्लू को ढूंढने के लिए। और उसके बाद फ्रैंकलिन सिस्टम हैक करके ब्लू को ट्रैक करने की कोशिश करता है और जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। जहाँ केन जो जुरासिक वर्ल्ड का इंचार्ज हुआ करता था, उनके साथ वो ब्लू को पकड़ने के लिए जाता है। ब्लू के पास पहुंचकर ओवेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक केन के लोग उस पर बेहोशी की गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से ओवेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन केन के लोग उसे भी बेहोश कर देते हैं और ब्लू और जिया को अपने साथ में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब क्लेयर और फ्रैंकलिन बाकी डायनासोर को ट्रैक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वोल्केनो आ जाता है और दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। जहाँ फ्रैंकलिन सिस्टम से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से जंगल का दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि एक डायनासोर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वो दोनों काफी डर जाते हैं कि तभी क्लेयर को वहाँ से भागने का रास्ता मिल जाता है और जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से बचकर निकल ही जाते हैं। ओवेन को होश आता है और वो देखता है कि ज्वालामुखी का लावा उसके पास आ रहा है धीरे धीरे करके। वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे क्लेयर और फ्रैंकलिन मिल जाते हैं, जहाँ वो लोग और बाकी डायनासोर लावे से बचने के लिए किनारे की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ भीड़ से बचते हुए वो तीनों जेरोस्पियर के पीछे छुप जाते हैं। जहाँ फ्रैंकलिन और क्लेयर जेरोस्पियर में बैठ जाते हैं और वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, जहाँ ओवेन जेरोस्पियर बंद होने के कारण उसमें नहीं बैठ पाता है और वो बाहर ही रह जाता है। फिर वहाँ डायनासोर ओवेन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टीरेक्स आकर उस डायनासोर को दबोच लेता है, जहाँ विस्फोट की वजह से वो टीरेक्स वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वो देखते हैं कि उन सभी डायनासोर्स को समुद्री जहाज से कहीं पे ले जाया जा रहा था, जिसके बाद वो सब लोग भी उस जहाज में बैठकर चले जाते हैं और देखते हैं कि अभी भी कुछ डायनासोर उस आइलैंड पे बचे हुए थे और वो सब उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके बुरी तरह से मरने लगते हैं। फ्रेंड्स, उस जहाज में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिया ब्लू का इलाज कर रही थी, जहाँ पे जिया ओवेन
एलियन से कहती है कि ब्लू का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है और इसलिए उसे एक ऐसे डायनासोर के खून की जरूरत है जो कि उसे सूट कर जाए। और ऐसा ही डायनासोर उनके जहाज में भी होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि टीरेक्स ही था। फिर जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों के बाद क्लेयर और ओवेन टीरेक्स का ब्लड निकाल कर जिया को दे देते हैं। जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद क्लेयर देखती है कि उन सभी डायनासोर को लॉकवुड के पैलेस में लेकर जाया जा रहा था। और यहाँ पे क्लेयर को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है कि एली मिल्स उन सबको धोखा दे रहा है, जहाँ एली मिल्स उन डायनासोर को बेचने के लिए आइलैंड से लेकर आया था। दोस्तों फिर हम देख पाते हैं कि मैसी लॉकवुड जो कि बेंजामिन लॉकवुड की नातिन है, उसे सब कुछ पता चल गया था और इसलिए वो मिल्स के प्लान के बारे में बेंजामिन लॉकवुड को बताने के लिए जाती है। लेकिन वो उसे बच्चा समझ के उस पे भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, लॉकवुड सब कुछ क्लियर करने के लिए एली मिल्स से पूछताछ करते हैं। और अब जबकि एली के करोड़ों डॉलर इस प्रोजेक्ट पे लग चुके थे तो वो इसे कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता था, तो इसलिए वो कुशन से लॉकवुड का दम घोट के उन्हें पूरी तरह से मार देता है। फिर मैसी को भी एक कमरे में वो बंद कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके कमरे से निकल के अपने नाना के पास में जाती है तो वो देखती है कि उनकी मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर और ओवेन को बाहर केन पकड़ लेता है और वो उन्हें बंद कर देता है एक पिंजरे में। और जब वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं तो ओवेन देखता है कि उनके साइड वाले पिंजरे में ही एक बेबी डायनासोर को बंद करके रखा हुआ है। फिर वो ओवेन बड़ी ही चालाकी से उस डायनासोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पिंजरा खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर क्लेयर और ओवेन वहाँ से निकलते हैं कि तभी उन्हें मैसी मिल जाती है, जहाँ क्लेयर उससे कहती है कि क्या तुम हमें मिस्टर लॉकवुड के पास ले जा सकती हो। जहाँ मैसी उन्हें रोते हुए कहती है कि वो अब नहीं रहे। फिर मैसी उन्हें बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ मिल्स और उसके साथी डायनासोर की नीलामी कर रहे थे। डॉक्टर हेनरी ने एक ऐसा डायनासोर बनाया था जिसने 2015 में काफी तबाही मचाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडोमिनस रेक्स की। और ऐसा ही डायनासोर वो इस बार भी एली मिल्स के साथ मिलकर बनाते हैं, जो कि बहुत ही चालाक और लेजर सिस्टम की टेक्निक से अपने टारगेट पे हमला करने वाला खून खार डायनासोर था, जिसका नाम उन्होंने इंडोरैप्टर रखा हुआ था, जो कि सिर्फ एक प्रोटोटाइप था और उसे इन्होंने बेचने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन वहाँ पे मौजूद लोग उसके लिए बहुत ही ज्यादा दाम लगाने लग गए थे, तो इसलिए लालच में आकर एली उसकी भी नीलामी करने लगता है, जिसके बाद ओवेन सिस्टम बंद करने के लिए जाता है, जहाँ उसे वही बेबी डायनासोर मिल जाता है और ओवेन उसे बड़ी ही चालाकी के साथ लिफ्ट से बेसमेंट में नीलामी वाली जगह पे भेज देता है, जहाँ उसे देखते ही बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। लोग यहाँ वहाँ पे भागने लगते हैं और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। जहाँ केन अंदर आता है, वो इंडोरैप्टर का दांत निकालने के लिए उसे बेहोशी की गोलियां लगा देता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे डायनासोर्स के दांत कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। जब केन पिंजरा खोलकर अंदर जाता है तो डायनासोर उस पे हमला कर देता है और उसे खा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। सो गाइस, वो पिंजरे से बाहर निकल के भाग जाता है, जहां डॉक्टर हेनरी को फ्रैंकलिन पीछे से आकर बेहोश कर देता है कि तभी वहां पे गार्ड्स आ जाते हैं। फ्रैंकलिन और जिया बचने के लिए ब्लू का पिंजरा खोल देते हैं। फिर ब्लू उन सभी गार्ड्स को मार डालती है और उनमें से एक गार्ड की गोली एक टैंक पर जाके लग जाती है जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था, एंड वहां पे धमाका होता है। फ्रैंकलिन, जिया और ब्लू इस धमाके से तो बच जाते हैं, लेकिन एक जहरीली गैस लीक होने लग जाती है। फ्रैंकलिन गैस को फैलने से रोकने के लिए सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोरैप्टर ओवेन के सामने आ जाता है, जहां वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर ओवेन लाइट्स ऑफ कर देता है, जहां वो सब धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस, उसी टाइम पे फ्रैंकलिन सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिससे कि सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और उस इंडोरैप्टर को वो सभी दिख जाते हैं और वो उन पर हमला कर देता है, जहां ओवेन और क्लेयर फंस जाते हैं और इसलिए मैसी वहां पे चिल्लाकर भागने लगती है, जिससे कि डायनासोर डिस्ट्रैक्ट होता है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जहां ओवेन मैसी की मदद करने के लिए जाता है और मैसी डरकर अपने रूम में जाकर बेड पे छुप गई थी और वो वहां जाके लेट गई थी। इंडोरैप्टर भी उसका पीछा करते हुए रूम में जाता है। वो मैसी पे हमला करने ही वाला था कि गाइस, ओवेन वहां पे आ जाता है और वो उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन यहां उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जहां ओवेन और मैसी बहुत डर जाते हैं। लेकिन गाइस, उसी वक्त ब्लू अचानक से वहां पे आ जाती है और वो इन्हें बचा लेती है, जहां ओवेन और मैसी
बिल्डिंग की दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रैप्टर भी ब्लू को घायल कर देता है और उन दोनों का पीछा करते वो भी वहाँ पे जाता है जहाँ ओवन और मेसी ग्लास से बनी एक रूफ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन रैप्टर के चढ़ने से वो रूफ टूटने लगती है और तभी ब्लू अचानक से आकर रैप्टर पे फिर से हमला कर देती है जिससे कि रूफ टूट जाती है और उस रूफ के नीचे एक डायनासोर का स्केलेटन था जिसकी हड्डियां उस डायनासोर के आर पार हो जाती हैं और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन और जिया उन्हें बताते हैं कि अंदर जहरीली गैस फैलती जा रही है जिससे कि अंदर बंद सभी डायनासोर बहुत बुरी तरह से मारे जा सकते हैं और उस गैस को फैलने से वो नहीं रोक सकते। तो इसलिए क्लियर उन डायनासोर की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सो वो मेन डोर खोलने ही वाली थी कि तभी ओवन कहता है कि यहाँ से 5 मील दूर भारी आबादी वाला शहर है, जिसे सुनकर क्लियर रुक जाती है जिससे कि वहाँ सभी डायनासोर्स का दम घुटने लग जाता है। और हम ये देखते हैं गाइस कि तभी मेन गेट खुल जाता है क्योंकि मेसी ने वो गेट खोल दिया था जहाँ वो ये कह रही थी कि उन सभी बेजुबान जानवर को भी जीने का अधिकार है। सो गाइस सभी डायनासोर बाहर निकल के चले जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी इंसानों को डायनासोर के साथ में रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस आई होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में और हमारी वीडियो को लाइक करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plot. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds moving like